दोस्तों कैसे हैं। आज 19 जुलाई है, लाइव मार्केट है और यस बैंक का अपडेट लेके आया था। यस बैंक में भी वीकनेस लग रहा है, आप इससे घबराने की जरूरत नहीं है। इसका जब बेस वैल्यू 105 का है, बुक वैल्यू 105 के आसपास है, तो उसके लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अभी वीकनेस है और चूँकि इसने 100 का लेवल को सस्टेन नहीं कर पा रहा है और 85 पे इसका अच्छा सपोर्ट था, वो भी एक बार तोड़ के नीचे दिखा रहा, ऊपर दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक वीकनेस तो है आई है इसमें। और हो सकता है कि अपने क्रूशियल लेवल को तोड़ता हुआ एक बार वीकनेस दिखाएगा, लेकिन 100% जब सितंबर अक्टूबर का रिजल्ट आपके पास आएगा तो उस समय इसके पास आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होगी इसको बाय करने के लिए। तो मेरे अंदाज से ये लॉन्ग टर्म के लिए एटलीस्ट 2 ईयर्स के लिए अगर होल्ड करते हैं तो 158 का टारगेट आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी वीकनेस है, हो सकता है ये आपको अभी 57 का टारगेट भी दिखाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। 57 पे इस पर सपोर्ट है, फिर वहाँ से नीचे जाता है तो 45 पे एक सपोर्ट है। तो ये लेवल एक 5760 का आपको हो सकता है कि आपको आने वाले समय में दिखा दे। इस महीने में जो दिख रहा है वो दिख रहा है कि ये 80 नहीं तोड़ना चाहिए, 81 पे एक सपोर्ट है। तो इस मंथ तक आपको लगता है 81 नहीं तोड़ना चाहिए, बट कमिंग डेज में नेक्स्ट मंथ में वीकनेस ही दिखेगी आपको। हो सकता है कि आपको ये एक बार 5750 के आसपास आके सपोर्ट लेते हुए देखने को मिल सकता है। यस बैंक आज देखें 19 जुलाई को 11:33 पे 86 रुपीज़ प्लस गेन में दे रहा है, बट ये गेन पे मत जाइएगा, ये वीकनेस है। ये आपको आप चाहें तो इस पर 91 का स्टॉप लॉस से इसको शॉर्ट पोजीशन में भी बने रह सकते हैं। 91 का स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा, 91 क्रॉस करता है तो वापस ये 100 की ओर जाते हुए देख सकते हैं। तो 91 के स्टॉप लॉस से आप चाहें तो इसमें शॉर्ट की पोजीशन में बने रह सकते हैं। टारगेट 57 और फिर वहाँ से 45, ये दो टारगेट के लिए आप चाहें तो इसमें बने रह सकते हैं। चलिए आके इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। अभी जो चल रहा है उसमें 86 का CMP है, करंट मार्केट प्राइस है। और चार्ट पे देखें तो आप देखेंगे यहाँ पे एक अच्छा खासा फॉल, कंटिन्यू फॉल कर रहा है और यही कहीं ना कहीं ये जो पुराने पैटर्न को फॉलो करता है, एक अगर ये वीकली बेसिस पे है तो वीकली बेसिस पे जाके एक बार पहले सपोर्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक नीचे की ओर सपोर्ट आता है जो कि 57 पे आता है। तो यहाँ इस यही सपोर्ट को मैंने आपको बताया कि 57, और अगर इसको तोड़ता है नीचे एक और सपोर्ट है यहाँ पे 47.5 से, तो शायद ये इस सपोर्ट को लेते हुए 47, 44, 45 के आसपास आपको दिख सकता है। अगर मैं इसको पोलिंगर बैंड्स पे डेली बेसिस पे भी देखूँ तो 99 का एक यहाँ पर अपर साइड है जिसको रेंज है 99, और नीचे 81 मीन्स 80 to 99 का रेंज है मेरे अंदाज से जो दिख रहा है। बहुत ज़्यादा ऊपर जाने की संभावना तो नहीं है, बट अभी आप इसको चाहें तो ये प्रीवियस डे का जो कि 90.25 है, इसलिए मैंने 91 बोला, इसके स्टॉप लॉस से चाहें तो आप इस पर शॉर्ट की पोजीशन में बने रह सकते हैं। एक इंडिसेसिव कैंडल बन रहा है, हो सकता है यहाँ पे कुछ दिन ये जाए और फिर एक शॉर्ट फॉल आपको दिखाए और धीरे 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 एक बार ये आपको 57.45 की ओर जाता हुआ दिख सकता है। यहाँ पे अगर अभी देखें, यहाँ पे देखिए इंडिसेसिव कैंडल बना हुआ है RSI, तो यहाँ से तो वीकली बेसिस पे पॉजिटिव ऊपर की ओर है जबकि ये फॉल की पोजीशन बता रहा है। तो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छा एक दिखता है, बट शॉर्ट टर्म में अभी वीकनेस है। डेरिवेटिव में देखें तो डेरिवेटिव में जो बन रहा है 80 फ्यूचर देखें तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि 85-80 का रेट चल रहा है और साथ में ओपन चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी 1.39 से बढ़ा हुआ है। अगर इसके डेरिवेटिव में जाकर के देखें 25 जुलाई को तो आप देखेंगे पुट में सारे पोजीशन पर अभी शॉर्ट की पोजीशन बन रही है यहाँ पे भी, और कॉल में भी कोई फायदा नहीं हो रहा है। मीन्स 80 के कॉल पे आपको थोड़ा मोड़ा यहाँ पे फायदा देखने को मिल रहा है। तो ये ऊपर कहीं ना कहीं 95,78,000 से 11,00,000 का तो आज ही पोजीशन बन रहा है, तो 90 पे शॉर्ट की पोजीशन है। और नीचे आप देखेंगे तो बहुत अच्छा सपोर्ट इसको 77,00,000 का जैसा अनवाइंडिंग भी पोजीशन 80 की है, 80 की पोजीशन पर अनवाइंड भी हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे एक पोजीशन आपको सपोर्ट है 80 का। तो इस महीने तो नहीं दिख रहा है, और फिर इसके आगे महीने के देखेंगे, अगस्त को देखेंगे तो अगस्त में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे 50 तक में भी गेन मिल रहा है और कहीं ना कहीं 90 पे वापस 17,00,000 का पोजीशन बना हुआ है और 85 पे भी यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन बन रही है और यहाँ पे भी 48 पे भी शॉर्ट की पोजीशन बन रही है। और ये नीचे 50 तक की आपको देखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है, देखने को मिल रही है, ट्रेडिंग हो रही है। तो ये वीकनेस है क्योंकि 50 तक के लेवल को यहाँ पे अगस्त में ट्रेड किया जा रहा है और वो भी अच्छे खासे वॉल्यूम से ट्रेड किया जा रहा है। आप देखेंगे तो 1,38,000 का तो 80 पे आज ही बना हुआ है और यहाँ पे 30,000-80,000, तो मतलब कहीं 8,86,070 पे एक सपोर्ट है। तो आपको इसलिए मैंने पहला लेवल जो बताया था लगभग आपको 5760 का बताया था,
यहाँ पे भी जो देखने को मिल रही है वहाँ पे भी एक डेरिवेटिव में ट्रेड देखने को मिल रही है, मतलब वीकनेस देखने को मिल रही है। अगर ये वॉल्यूम वेटेड एवरेज देखें कल का 18 जुलाई का, तो जहाँ पे वॉल्यूम वेटेड एवरेज 87 था वहाँ पे 85 पे क्लोजिंग दिया, तो मतलब वीकनेस के साथ ही क्लोजिंग दिया। 102 के जगह 98 क्लोजिंग दे रहा है 17 जुलाई को, वहाँ पे भी वीकनेस का क्लोजिंग दिया है। और कहीं ना कहीं जो डिलीवरी हो रही है 19-20% ये सेल बेस्ड डिलीवरी बनाई जा रही है। तो यस बैंक में एक छोटा सा टेक्निकल अपडेट था कि यहाँ पे वीकनेस आपको देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में ये आपको 57-60 का लेवल दिखा दे, 91 के स्टॉप लॉस से आप बने रहे, लेकिन हो सकता है ये आपको इस महीने तो 80-81 रुपये सपोर्ट ले ले, अगले महीने 42-43 का सपोर्ट आपको देखने को मिल सकता है। और अगर आप यहाँ पे इसको वीकली बेसिस पे भी देखें तो आप देखेंगे यहाँ पे इसको 42 पे यहाँ पे सपोर्ट एक मिल रहा है, कहीं ना कहीं 42 पे एक सपोर्ट अच्छा मिलता है, और वहाँ पे आपको लेवल पे भी 45-44 का दिख रहा था। इसके लिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि एक बार ये आपको लोअर लेवल देखने को मिल सकता है। मेरा कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरा सिर्फ एक ओपिनियन है कि इसमें वीकनेस देखने को मिल रही है। अभी थोड़ी देर पहले ये प्लस था, अभी देखिए आपको यहाँ पे नेगेटिव दिख रहा है, 85-70 दिख रहा है, 86 दिख रहा था। तो 91 के स्टॉप लॉस आप इसमें शॉर्ट की पोजीशन में चाहें तो पेपर ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट में कोई भी पोजीशन बनाने के पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कर लेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।